हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप इनको जान लेना, एलाइज जो बहुत बड़ी, अब मतलब मुजफ्फरपुर की अच्छी खासी ब्लॉगर है, मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ये हमारे एकेडमी आई थी बिकॉज मेरी जो ऑनर मैम है, सॉरी एमडी मैम है, उन्होंने इनको बुलाया था और काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने इनसे मिला, फिर सेकेंड मिल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलना। तो कंटिन्यू मेरी वीडियोज़ वॉच करते रहें और आप देख बताओ। सो गाइस, आपने देखा, मतलब इनको देखते ही कम से कम, अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगी, भाई साहब जितने बच्चे आ रहे थे उतने फोटोज़ इनको, मतलब थोड़ा सा वो लग रहा था, बट सच में ये वो शो नहीं कराती कि हाँ मैं बहुत बड़ी हूँ। चाहे मतलब एक होता है ना कि काफ़ी इनका एक पोस्ट है या दिखता है इनमें कि भाई है, बंदी में कुछ है, बट इनमें इतना है मैंने नहीं देखा। बहुत सॉफ्ट है सबके साथ, इतने प्यार से कि वो गॉड में बता नहीं सकती। मुझे इनका ये नेचर बहुत अच्छा, इंसान फेमस होता है तो उनमें ये चीज़ होना चाहिए, अपने नेचर्स को चेंज नहीं करना चाहिए। और ये मेरा क्लासरूम जहाँ हम लोग क्लासेस करते हेयर का, मेरा प्रैक्टिस हो या जो भी थ्योरी तो नेक्स्ट अलग क्लासेस में होते हैं, तो ये मेरा क्लासरूम है जहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं या डेमो जो भी होता है। तो ये हमारा हेयर का क्लासरूम है। एक्चुअली यहाँ पे एक्स्ट्रा सारे बच्चे आ गए थे बिकॉज उनको अपना हेयर वर सेट कराना था, बिकॉज आपको पता है इतनी बड़ी ब्लॉगर आई हुई थी और उनके वो ब्लॉग में लोग आते, इसलिए। और गाइस, मैं यहाँ की बात स्किप नहीं करूँगी, प्लीज़ सुनिए। मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। गाइज, ये मेरा क्लासरूम था जहाँ मैं बहुत मस्ती करती थी 2 साल पहले, जो एक फिर से मतलब वो फील आया, मतलब मेरे बैचमेट के साथ, जो मेरे बैचमेट बहुत मस्त थे। मतलब गाइज, मैंने बहुत मेहनत किया प्रैक्टिस देन पोर्टफोलियो के लिए, अपने बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा ही। सो आप वो देख सकते हैं मेरे पेजेस पे, इसको नहीं आता बोलने। यार तू मेरे ब्लॉग पे नंबर। सो गाइस, आपने सुना, ये लड़की बहुत मस्त थी यार, बहुत फनी। मैं फर्स्ट टाइम इससे नहीं, सेकंड टाइम मैंने इससे मिला, बहुत नेचर वाइज भी बहुत अच्छी थी। और मुझे नहीं पता इतनी हमारे बीच में फ्रैंकली, मतलब जो भी बात विचार होंगे, मस्त ब्लॉगिंग करती है यार। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो, ऑसम है। तो बस डिग्री नहीं मिला यार, कैसे बोल दूं। अरे डिग्री की है मिलनी मैम का नॉलेज ही काफ़ी है, नॉलेज ही काफ़ी है। सो गाइज, आपको ये लोग कैसे लगे? मुझे तो बहुत मस्त लगे। गाइज, ये ब्लस की दीवानी और इसके गाल पे, यार सच में ब्लस बहुत मस्त लगता है ना, उभर उभर के दिखता है वो, तुम्हारे पे भी अच्छा लगता है। ओहो गाइज, गाइज लाइन मत मारना, ये फिक्स हो चुकी है। नहीं नहीं सच्ची खबर। ओ माई गॉड, इतना ब्लस मत लगा यार, दिल गदगद होने लगा। गुलू गुलू अच्छी लग रही है। गाइस, मैं यहाँ की सबसे फर्स्ट मॉडल बनी थी, उसका पिक्चर्स तो नहीं है। उसके बाद यहाँ मेरी दो दो पिक्चर्स हैं एंड एकेडमी के पेज पे तो मैं फर्स्ट मॉडल हमेशा रहती हूँ। ये देख सकते हो, ये और जिसको मैं मुस्की बोलती हूँ, एक नंबर की बंदरिया लग रही है। गाइस देख सकते हो, ये हमारी जो लाइक ब्लॉगर है, उनका नाम नहीं ले पा रही है, वो हार्ड नाम है एलिस। एंड सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लासरूम्स भी दिखाए, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी दिखा दिया। एंड यहाँ पे अभी मेरे पास फिलहाल अभी जो है पास आउट स्टूडेंट है, जिनका फेस मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो इनमें से सारे लोग उस टाइम में थे, तो अभी मैं इनसे रिव्यू लेती हूँ और फिर हम कुछ जो अभी यू नो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रखे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि उनका कोर्स कैसे जा रहा है। बट फिलहाल अभी जो पास आउट हो चुके हैं उनसे हम बातें करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे ये जितने भी फेसेस है आप लोग भी देख चुके होंगे, कई लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे इवेंट शो में भी जा रहे हैं, वो लोग मेकअप आर्टिस्ट का भी काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो वेलकम बोलूंगी और आप लोग अपना अपना नाम बता दीजिए। मैं चंचल वासवानी। मैं अश्मिता। मैं श्रेया। मैं सेजानी। ओके, तो आप लोग ने कब ये कोर्स किया है, कम्प्लीट किया है? आप लोग ने मतलब पहली बार तो कोर्स कौन कौन सा किया है मैम आपने? मैंने मेकअप किया एंड स्किन, अभी मेरा हेयर चल रहा है। अच्छा ओके, अभी हेयर कर रही हूं। मैंने फिर से लिया एडमिशन। ओके,
एंड मैं पास आउट कॉस्मो के स्टूडेंट हूँ जी। मैंने भी कॉस्मो का कोर्स किया है। मैंने मेकअप का कोर्स किया है। अच्छा ओके, तो आप लोग जैसे पास आउट है, क्या आपको बेनिफिट मिला? आप लोग जब पास आउट हो गई हैं तो अभी फिलहाल आप लोग क्या कर रही हैं? कुछ बेनिफिट दिख रहा है आपको? बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इसके बाद, इस एकेडमी से अगर आप करते हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एंड अभी मैं परसों इवेंट हुई थी फैशन इवेंट्स पटना में, जिसकी मैं विनर रही हूँ मेकअप आर्टिस्ट की। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड यहाँ से निकलने के बाद आप ये नहीं सोचो कि मुझे करना क्या है, ठीक है। इसलिए मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी पार्लर्स वगैरह में जा करके आप नहीं जा करके करो कोर्सेज वगैरह, ठीक है। आप एक एकेडमी में, बहुत सारे सैलून्स में होता क्या है कि एकेडमी लिख देते हैं, ठीक है, और उसमें वो कोर्स करवाने लगते हैं। बट एक एकेडमी में आप आके अगर आप कोर्स कर रहे हो ना प्रॉपर, वो आपके लिए सही रहेगा। कभी भी आप पार्लर्स में जा करके एकेडमी का ये सारा कोर्स मत करो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक एकेडमी में ही आकर के कोर्स करो। एंड लाइफ में एकेडमी से कोर्स करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो मैम आपका जैसे मुझे पता चला कि आप सैलून, तो आपने यहाँ से कोर्स करने के बाद फिर कभी यहाँ से हमने कोर्स किया है जी। इसका मतलब कि बेनिफिट भी ये है कि हमने कोर्स कम्प्लीट करने के बाद जस्ट ओपन किया है। ओके सो गाइस, आप देख सकते हैं सब लोग आप क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल। मैं जैसे मेरा भी प्लानिंग है सैलून का चल रहा है, बट अभी मैं हेयर के चलते मैं उधर अभी पोस्टपोन की हूँ। और मैं मेकअप में अच्छा मैंने पैसा कमाया, बढ़िया कमाया। फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया। ओके सो आप लोग अभी क्या कर रही हैं? अभी हमने जस्ट अभी तुरंत पास आउट करके, तुरंत पास आउट जस्ट ही। अच्छा। तो आगे अपना सैलून खुलना है। अच्छा। और अभी जहाँ जहाँ इवेंट हो रहा है या फिर कोई भी ऐसा मौका मिल रहा है तो आप लोग फ्रीलांसिंग अभी कर रहे हैं फिलहाल। आप भी मैम? हाँ जी मैम, आप फ्रीलांसिंग करते हो? और मतलब दो तीन महीना ही हुआ अकेडमी छोड़े हुए, बहुत अच्छा इनकम है। सो थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्यूचर है यहाँ से करने के बाद। ये लाइव है और मैंने किसी से धमकी दे के नहीं बुलाया, तीन लोग अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। हे गाइस, अगर आप मुजफ्फरपुर से हैं तो लैक्मे एकेडमी में आना मत भूले और ये अपॉर्चुनिटी प्लीज ले, क्योंकि बहुत फायदा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।